हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो भी बर्ड्स पालते हैं, बर्ड पालते हैं या और कोई से बर्ड्स पाल रहे हैं, मतलब बर्ड्स पाल रहे हैं, कुछ भी पाल रहे हैं, बजीज पाल रहे हैं, तो मेन फोकस बजीज पे बता रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या डाइट देना चाहिए, कौन से मल्टी विटामिन क्या देना चाहिए कि अच्छी ब्रीडिंग हो, पेड़ आपके अच्छी ब्रीडिंग दे, अंडे दे, अंडे बच्चे निकलें, अंडे खाली ना हो। और मान लो 5 अंडे देते हैं तो 4 अंडे में से निकल जाए कम से कम। कई बार ऐसा होता है कि 3 अंडे दिए बच्चे एक ही निकला, 4 अंडे दिए एक ही बच्चा निकला। तो क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या आपको कैसा करना है कि अच्छी ब्रीडिंग हो। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट होने वाला है, मैं ऐसे ही इसकी सीरीज लेके आऊँगा, अच्छी ब्रीडिंग की सीरीज। इसमें आपको बताऊँगा अच्छी ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं आप। तो आप ये देख सकते हो मेरे पास अभी टोटल 4 पेयर हैं और ये पीला वाला जो है ये सिंगल है अभी, इसके लिए फीमेल लेके आनी है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो ये कैल्शियम है, इसको हम कहते हैं कैटल फिश बोन। ये कैल्शियम इसमें होता है, ये कैल्शियम के लिए यूज़ किया जाता है, इसका नाम होता है कैटल फिश बोन। ये मछली के बोन का होता है, तो इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं एक ही डालूँगा, ये नहीं कि 4 डाल दूँ, क्योंकि 4-5 पैर ही है बस। तो देख सकते हो आप ये खा रहे हैं। तो कैल्शियम के क्या फ़ायदे होते हैं, कैल्शियम जो बर्ड्स अंडे देते हैं आपके, उसमें जो सेल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, बच्चों अंडे खाली नहीं होंगे और उसमें बच्चे निकलेंगे। तो ब्रीडिंग के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि कैल्शियम बर्ड्स को जरूर देना होता है, क्योंकि ब्रीडिंग करते करते उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी बर्ड्स के अंदर, तो फिर वो लाता ब्रीडिंग करते रहेंगे तो कैल्शियम कमी हो जाएगी, फिर अंडों में से बच्चे नहीं निकले, अंडे खाली हो जाएंगे, जो ऊपर का सफ़ेद भाग होता है वो मुलायम होगा, टूट जाएगा। इसलिए कैल्शियम देना बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए, ये इसे कैटल फिश बोन कहते हैं, ये आपको देना ही है, हमेशा इसके अंदर होना चाहिए, आपके कॉलोनी के अंदर ये हमेशा होना चाहिए। जब भी ख़त्म हो जाए फिर दोबारा डाल दें, इसे मैं एक डाल देता हूँ, फिर ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में, फिर मैं दोबारा डाल दूँगा क्योंकि गंदा ना हो, फिर ज्यादा डालने पर ऊपर बीट वीट होता है गंदा हो जाता है। तो एक एक डालते रहो, ज्यादा है तो फिर कई सारे डाल दो, तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मतलब आपको कॉलोनी के अंदर कैटल फिश बोन रखना जरूरी है अगर आप अच्छी ब्रीडिंग करना चाहते हो। तो ये पार्ट 1 होने वाला है दोस्तों, इसके आगे मैं और कई सारे पार्ट्स लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको कि अच्छी ब्रीडिंग के लिए आपको बर्ड्स को क्या क्या देना जरूरी होता है। तो पहले पार्ट से ये हो गया कैल्शियम, जो कि कैटल फिश बोन, ये देख सकते हो बच्चा, इसके अंदर 3 बच्चे हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको कुछ भी पूछना आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम IDPetsCafe जाके वहाँ पे आप सवाल कर सकते हो, फोटो वीडियो सेंड कर सकते हो।